जेटी के स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि कल की क्लास में ऑपरेटिंग सिस्टम यही था ना टॉपिक, जी ऑपरेटिंग सर, सिस्टम। और उसमें सारी प्रैक्टिकल हम लोगों ने देख ली, आइकॉन को छोटा बड़ा करना, आइकॉन्स को हाइड करना, फोल्डर का आइकॉन चेंज करना, उस पर पिक्चर्स लगाना, बहुत सारी प्रैक्टिकल हमने जी देखे ना। सर, ठीक, तो और यहाँ टास्क बार पे आइकॉन लाना भी आपको बता ही दिया हूँ, जी सर, है ना। तो बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हम कर चुके हैं, अब कोई चीजें अगर याद आएंगी धीरे धीरे तो मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, अच्छा, वर्ड पैड खत्म हो गया था हम लोग का उधर, जी सर, और नोट पैड खत्म ही हो गया है, वर्ड पैड खत्म ही हो गया है, और बेसिक चीजें मैं सब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वगैरह सब पढ़ा दिए हैं, कुछ बचा रही है। हाँ, अब चलते हैं हम लोग एमएस वर्ड की तरफ। किसकी तरफ? एमएस ऑफिस। सबसे पहले बात करेंगे हम एमएस ऑफिस के बारे में। किसके बारे में? एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस है क्या? एक ऑफिस सॉफ्टवेयर है जो एक अमेरिका ने लॉन्च किया था इसको, एमएस ऑफिस को, जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट है। क्या नाम है? इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। बेसिकली हमें अभी तीन चीजें कवर अप करनी है। क्या तीन चीजें हमें क्लियर करनी है? पहले हम लोग पढ़ेंगे एमएस वर्ड यानी कि विन वर्ड, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग एमएस एक्सेल एक्सेल, और तीसरा पढ़ेंगे एमएस पावर पॉइंट यानी वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट। क्या बोलते हैं? वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट। तो पहले हम लोग वर्ड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्ड पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर एक्सेल। पहले वर्ड पढ़ेंगे। अब ये लगभग 20-25 दिन का टॉपिक है, आराम से चलेगा। और जो आप नोट पैड वर्ड पैड में नहीं पढ़े हैं, जो छुटा हुआ है, जिनका छुटा हुआ है, वो सारी चीजें इसमें कवर हो जाएंगी, क्योंकि इसमें भी होम टैब दिया है, होम टैब में सारी चीजें दी हुई है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करूंगा, सबका रिपीट हो जाएगा, जो लोग नए हैं उनका भी, जो पुराने हैं उनका ठीक है। ठीक है, जी नीरज आज भी पढ़ने नहीं आए, गजब सर, हाल है, बच्चे समझ ही नहीं रहे बातों को। चलिए ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं एमएस वर्ड के बारे में। ठीक है, देखिए जैसे कि आज तक आप लोग विंडो प्लस आर करके नोट पैड वर्ड पैड जो भी रन कराते थे एमएस पेंट, वैसे ही अभी भी विंडो प्लस आर का यूज करेंगे, और विंडो प्लस आर करके उसमें टाइप कर देंगे विन वर्ड। क्या टाइप करेंगे? यानी कि एमएस वर्ड को ओपन करने का तरीका है, विंडो के साथ आर दबाइए, उसमें टाइप कर दीजिए विन वर्ड। क्या टाइप कर दीजिए? विन वर्ड। स्पेलिंग क्या होगी? WINWORD लिख लीजिए, आप लोग भी आज का डेट डालिएगा, और एम एस वर्ड लिख के ब्रैकेट में लीजिएगा विन वर्ड, और आज का डेट डाल लीजिएगा ताकि पता चले किस दिन से हमने स्टार्ट किए हैं पढ़ना। हो गया विन वर्ड, डेट डाल लीजिएगा आज का, लिख लीजिएगा एक लाइन में। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है क्या है? यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन? एमएस ऑफिस। क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अब एमएस ऑफिस अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, तो अगर लोग अलग अलग करके पूछेंगे कि वर्ड क्या है, एक्सेल क्या है, सब तो क्या है, आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही हो गए। सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर हो एप्लीकेशन तो एमएस ऑफिस किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन टाइप। और क्या यूज कहाँ होता है? ऑफिशियल वर्क होता है, ऑफिस वगैरह में, इसलिए नाम इसके एमएस ऑफिस रखा गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, कोई दिक्कत? कहाँ की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट? अमेरिका की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, बात क्लियर है? ठीक, आगे चले। तो आज का डेट डाल लीजिएगा, और टॉपिक का नाम एमएस वर्ड, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा विन वर्ड। अब यही लंबा चलेगा, आराम से पढ़िए मन लगा के। ठीक है, ब्रैकेट विन वर्ड किसे ओपन करेंगे, इसलिए मैं कहा लिख लीजिए आप लोग, विन वर्ड नाम से ओपन करेंगे, WINWORD, विन वर्ड लिख के टाइप करके इंटर करेंगे तो ओपन हो जाएगा विन विन वर्ड। में कहीं ना
हो गया, चले आगे। चलिए तो आपको प्रेस करना है कीबोर्ड से विंडो के साथ आर, विंडो के साथ आर, और यहां टाइप करेंगे क्वीन वर्ड। क्या टाइप करेंगे? अब पहला वाला ओपन कर लीजिए आप। ये आपका विन वर्ड। तो बिल्कुल स्टार्ट से, जीरो से बता रहा हूँ, रिपीट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहली बात मैं करूंगा कि जो ये ऊपर दिख रहा है, सबसे ऊपर दिख रहा है आपका, ये सबसे ऊपर ये जो पट्टी दिख रही है, इसको बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं इसको? टाइटल बार। क्या बोला जाता है इसको? टाइटल बार। जो लोग नए हैं बहुत कंसंट्रेट बनाए रखिएगा सिस्टम पे, यहाँ पे स्क्रीन पे नजर जरूर मत जानिए, ठीक है? ध्यान से देखिए। तो सबसे ऊपर कौन सा बार होता है? टाइटल बार होता है। एक क्वेश्चन पूछा था टाइटल बार में कितने बटन होते हैं? ये तीन बटन होते हैं टाइटल बार में। कितने बटन होते हैं? तीन। कौन कौन से होते हैं? मिनिमाइज, मिनिमाइज होता है, मैक्सिमाइज होता है, क्लोज। मैंने शॉर्टकट की भी लिखवाया था, मिनिमाइज के लिखवाया था विंडो प्लस डी, विंडो प्लस डी से मिनिमाइज होता था, उसी से वापस आ भी जाता था। तो जो लोग नए हैं लिखते भी रहेंगे, नहीं समझ में आएगा बोलिएगा सर एक बार फिर से बता दीजिए, मैं लिखना चाहता हूँ, तो मैं बोल दूंगा लिख लीजिएगा, लेकिन लिखते रहिएगा। विंडो डी से क्या होता है? मिनिमाइज होता है, ठीक है? उसके बाद बगल में दिया है ये जो ये रेक्टेंगल फॉर्म में, जो स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, इसका नाम है मैक्सिमाइज। क्या है? इसको रिस्टोर डाउन भी कहते हैं, मतलब कि बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। तो उसके लिए शॉर्टकट की मैंने आपको बताया था, विंडो के साथ एरो का यूज करते हैं ना, याद है ना? चारों एरो बनवाए थे, तो ऊपर नीचे वाला ही बस काम में आता है, बड़ा करने के लिए ऊपर, नीचे डाउन के लिए, ठीक है? और क्लोज के लिए शॉर्टकट की बताया था मैंने, अल्ट प्लस F4। क्या बताया था? जैसे कि आप सिस्टम को बंद करते हैं, उसी तरह प्रोग्राम भी बंद होता है अल्ट प्लस F4 से। बात क्लियर है? बात क्लियर है, ठीक। चलिए, तो सबसे ऊपर क्या है? टाइटल बार है। उसके जस्ट नीचे ए, जो एरिया आपको ये दिख रही है सारी एरिया, ये आपका कहलाता है मीनू बार। क्या कहलाता है? मीनू बार। क्या कहलाता है? मीनू बार। और आजकल इसको रिवन के नाम से भी लोग जानते हैं। किस नाम से? रिवन, RIBBON, रिबन। किस नाम से? यानी मीनू बार को रिबन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? लिख लीजिएगा आप लोग, मीनू बार को रिबन के नाम से भी जाना जाता है। हो गया। अब देखिए इस वाले पोर्शन को बोलते हैं, इस वाले पोर्शन को जो टाइटल बार के बगल वाले में है, इस वाले पोर्शन को बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं? क्विक, QUICK, क्विक एक्सेस, ACCESS, एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं इसको? क्यों एक्सेस टूल बार क्यों नाम रखा गया है? क्योंकि यहाँ से काम कोई क्विकली करते हैं, जल्दी से करते हैं। सेव करना है तो आप फाइल पे जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, उससे बढ़िया है यहाँ एक सेव सिनेम का ऑप्शन बना हुआ है, तुरंत सेव कर लीजिए। तो क्या बोलते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार। अच्छा, सबसे ऊपर कौन सा बार था बच्चों? टाइटल बार। उसके जस्ट नीचे कौन सा बार था? मेनू बार। उसके जस्ट नीचे जो स्केल के जैसे दिख रहा है, इंचल के जैसे, इसको बोलते हैं रूलर बार। क्या बोलते हैं? रूलर। स्पेलिंग होगा RULER, लिख लीजिएगा आप लोग, रूलर बार, BAR लिख लीजिएगा आप लोग भी, रूलर बार। क्या बोलते हैं उसको? रूलर बार। हो गया, आगे चले, ठीक है? गया तो टाइटल बार हो गया, उसकी जस्ट मेनू बार, रिबन, और ये आपका रूलर बार हो गया, ठीक है? उसके बाद से देखिए थोड़ा नीचे आ जाते हैं, उसके बाद देख सकते हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, इसको एक रहा। जो आपको ये दिख रहा है, कई जगह जरूरी है कि ब्लू कलर में ही दिखे, जो पेज के बारे में बता रहा ना, कितने पेज है? एक पेज। किस पेज से हम लोग हैं? वन पे। वन ऑफ वन का मतलब एक पेज का डाटा है और पहले पेज पे हम लोग हैं, और ये आपका बाकी देखा हुआ है, ये जूमिंग साइज बता रही है पेज की, कितना है साइज? 120 है। इसको कम अधिक कर सकते हैं, ये कम कर लेंगे या अधिक कर लेंगे, जो भी है, ठीक है?
या से कम अधिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है, तो इस वाली पट्टी को हम लोग बोलते हैं टास्क, क्या बोलते हैं, सॉरी स्टेटस बार, क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। समझिएगा ध्यान से, टाइटल बार, मेनू बार, रूलर बार, उसके बाद स्टेटस बार। कोई पूछता है डॉक्यूमेंट के नीचे कौन सा बार होता है, तो आप क्या बोलेंगे? जब कोई कहेगा डॉक्यूमेंट के नीचे होता है तो कहेंगे स्टेटस बार, और जो कोई पूछेगा सबसे नीचे कौन सा बार होता है तब आप कहेंगे टास्क बार। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट वर्ड जोड़ दिया जाएगा तो समझिएगा डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, और डॉक्यूमेंट के नीचे क्या होता है? स्टेटस बार ही होता है। बात क्लियर है ना? सबसे नीचे कौन सा होता है? टास्क बार। एक लाइन से बोल दीजिए आप लोग, सबसे ऊपर कौन सा होता है? टाइटल बार, उसके बाद मेनू बार या रिबन, मेनू बार भी बोलते हैं, रिबन भी बोलते हैं, उसके नीचे रूलर बार, उसके नीचे स्टेटस बार, और सबसे नीचे। बात क्लियर है? ये बार 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 चीजें याद कीजिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत? ठीक। तो अब हमें यही सब पढ़ना है। सबसे पहले फाइल के बारे में आपको बता दूं, फाइल के बारे में आपको पहले से ही पता है कि न्यू से क्या होता है, नए पेज ओपन होते हैं, ओपन से क्या होता है, जो फाइल पहले से ही सेव है उनको ओपन करना है तो वो होंगे, और रिसेंटली जितने भी चीजें ओपन किया गया है जैसे गूगल शीट पूरी तरह से, गूगल ड्राइव एडिटर जो भी भाग है, एमएस पेंट, ब्राउजर शॉर्टकट की, नाम, टेक्स्ट जो भी है, रिसेंटली जितने भी ओपन किए गए हैं वो सारी चीजें यहाँ दिख रही है, देख रहे हैं ना? सेव करने के मतलब जानते हैं, सेव है जानते हैं आप लोग, ठीक है, प्रिंट जानते हैं, सारी चीजें। एक्सपोर्ट दिया हुआ है कि किसी चीज को अगर पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो आप पीडीएफ में कर सकते हैं आराम से, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, बैक आ जाते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं, एक चीज आपको स्टार्टिंग से पढ़ाया गया है कि कोई भी, अब सुन लीजिएगा, आपको अभी तक ये बात नहीं बताई गई होगी, अब समझ लीजिएगा कि यहाँ जैसे वर्ड पैड में हाथ से डाटा लिखना पड़ता था, नोट पैड में लिखना पड़ता था, यहाँ आप फार्मूले से डाटा ला सकते हैं। किससे? फार्मूले से। जैसे कि आप जानते हैं, एक बात नोट कर लीजिएगा, कोई भी फार्मूला लगाने से पहले हम इक्वल टू साइन का यूज करते हैं। किसका? इक्वल टू साइन का। इक्वल टू साइन मतलब समझ रहे हैं, यानी बराबर का चिन्ह लगाते हैं। कोई भी फार्मूला लगाने से पहले क्या करते हैं? बराबर का चिन्ह लगाते हैं। इस चीज को लिख लीजिएगा आप लोग, इक्वल टू का साइन लगाते हैं, बराबर का चीज। हो गया, दिक्कत है? आगे चले, क्या बोला था मैंने? इक्वल टू साइन का। देखिएगा आप लोग, इसको मैं नीचे कर दूं। अब देखिए, जैसे यहाँ आ गया, मैं पेज की साइज थोड़ी जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे। तो सबसे पहले डाटा लाने के लिए फार्मूला होता है रैंड। अगर टेक्स्ट लाना है आपको तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? इक्वल टू तो पहले लगाएंगे, लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? रैंड लिखेंगे, रैंड, और ब्रैकेट ओपन करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे तो डाटा आ जाएगा। लेकिन ब्रैकेट में मैंने कुछ लिखा नहीं था, तो देखिए कितने पेज का डाटा आया? एक पेज का डाटा आया। कितने पेज का डाटा आया? एक पेज का डाटा आया, ठीक है। कंट्रोल जेड करते हैं, देखिए यहाँ पे कंट्रोल वाई करिए, कंट्रोल वाई से आगे चले गए हैं। देखिए कितने पेज का डाटा है? वन ऑफ वन, एक पेज का डाटा है। और किस पेज पे हम लोग हैं? पहले पेज पे। समझा नहीं मेरी बात ना? लेकिन कंट्रोल जेड करते हैं हम, यहाँ ब्रैकेट में कुछ लिख देते हैं। क्या करते हैं? ब्रैकेट में हम लिख देते हैं 3 4, क्या लिख दिया? और अब इंटर कर दिया, अरे सॉरी, कंट्रोल जेड, अब इंटर कर दिया। अभी भी डाटा आया, लेकिन अब कितने पेज का डाटा आया है? कितने पेज का आया है? 3 पेज का। यानी कि ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर लिख देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, डाटा की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और नंबर लिखने का पर्पज क्या हुआ? हमने लिखा था 34, ये लिखा था ना, यानी उतने पैराग्राफ आ गए हैं। क्या हो गया है? उतने पैराग्राफ आ गए हैं। जैसे देखिएगा आप, जैसे देखिएगा ये पैराग्राफ कहेंगे इसको, क्या बोलेंगे हम लोग? पैराग्राफ बोलेंगे। एक पैराग्राफ, ये दो पैराग्राफ, समझ रहे ना? और देखिएगा
जैसे एक कोई लेटर है, एक अक्षर है, और पूरा अगर वीडियो को सिलेक्ट किया जाए तो या एक वर्ड कहलाता है, ठीक है, और पूरा हम सिलेक्ट कर लेंगे कहाँ तक, ये वाला यहाँ पॉइंट तक, एक सेंटेंस कहलाता है, और पूरा सिलेक्ट करेंगे तो यह पैराग्राफ कहलाता है, यानी अक्षर, वर्ड, सेंटेंस और तब तो पैराग्राफ, चार चीजें सीधी याद कीजिए, वर्ड, लेटर, वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ। समझ में आ रहा है बात ना? पहले क्या आता है, लेटर, तब वर्ड, तब सेंटेंस, तब दिमाग में रखिएगा इस सीरीज हमेशा, ठीक है। चलिए तो कितने पैराग्राफ आ गए हैं, 34। कंट्रोल जेड करिए, हमने बैकस्पेस दबाया, हमने सिर्फ लिखा 3 और ब्रैकेट बंद कर दिया, देखिएगा कितने पैराग्राफ आ रहे हैं। देखिए तो एक, दो, और समझ में आ गया ना, यानी ब्रैकेट के अंदर जितना लिखेंगे, जो नंबर लिखेंगे उतने पैराग्राफ आ जाएंगे, और ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखेंगे तो सिर्फ एक पेज का डाटा ही नॉर्मल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई बात ना? तो लिख लीजिए फार्मूला क्या होगा डाटा लाने के लिए, इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट में भी कौन सा ब्रैकेट ओपन करेंगे, स्मॉल वाला, देखना क्या आगे चले। चलिए तो डाटा लाना सीख गए आप लोग, डाटा कैसे आएगा, ठीक है। अब याद रखिएगा, एक क्या टाइम है बाबू पढ़ने आने का, ये कौन सा रीजन है भाई, ठंडा ठंडा सबको लग रहा है, टाइम चाहिए आप लोग। देखिए अब सुनिए, अब किसी पैराग्राफ, एक और क्वेश्चन आता है ट्रिपल सी में अक्सर, कि अगर किसी पैराग्राफ के सामने लगातार आप 3 बार क्लिक करते हैं तो पूरा सेंटेंस सिलेक्ट हो जाता है। लिख लीजिए शॉर्टकट की, अगर किसी पैराग्राफ के सामने आप लगातार कितने बार क्लिक करते हैं, 3 बार क्लिक करते हैं, तो पूरा सेंट सॉरी पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है, पूरा पैराग्राफ। क्या हुआ, नहीं समझ में आया? नहीं मैंने बोला कि अगर किसी पैराग्राफ के सामने आप लगातार 3 बार क्लिक करते हैं तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। देखो करते हैं नंबर हो गया क्या, आगे चले। चलिए एक और चीज लिख लीजिएगा, वही पैराग्राफ के सामने अगर हम क्या करते हैं, F8 बटन दबाते हैं, क्या दबाते हैं, F8 बटन, कौन सा बटन, तो 3 बार अगर लगा F8 बटन दबाते हैं, 3 टाइम्स, तो एक सेंटेंस सेलेक्ट हो जाता है। देख लीजिए, अगर किसी भी पैराग्राफ के सामने F8 बटन कितनी बार दबाते हैं, 3 बार दबाते हैं, तो क्या होता है, एक सेंटेंस सिलेक्ट हो जाता है, उससे पैराग्राफ सिलेक्ट हो रहा था, इससे क्या हो रहा है, सेंटेंस। या फेड बटन कितनी बार दबाते हैं, 3 बार, तो क्या होता है, एक सेंटेंस सिलेक्ट हो जाता है। पढ़ना है इतना
ना ये भी एक फ्रेंड्स ना हो गया हो गया क्या बच्चों? क्या तो मैंने दो चीजें आपको बताई कि अगर पैराग्राफ के सामने लगातार 3 बार क्लिक करते हैं तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है, और पैराग्राफ के सामने लगातार 3 बार F8 बटन प्रेस करते हैं। F8 बटन क्या है आप बताइए? गुलाम गुलाम हुसैन बताइए सर, F8 बटन क्या है? एक और कोई लड़का आया नया ना उधर पीछे बैठा हुआ है, नया एडमिशन जिसका हुआ है, कॉर्नर पे बैठा हुआ है क्या? क्या नाम है बाबू आपका? सर सैफ अली। बताओ सैफ अली, ये फिट बटन क्या है? उसको बोलते हैं फंक्शन की, क्या बोलते हैं? कितने होते हैं? 12 होते हैं, 1 से लेके 12। बैठ जाओ बाबू, 1 से लेके 12 तक होते हैं, जो किसी ना किसी फंक्शंस के लिए यूज होते हैं, अन्यथा इनका यूज नहीं होता। समझ में आ गया क्या है फंक्शन की? अब बताओ फंक्शन की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है, इसीलिए इसको F से डिनोट किया जाता है। समझ में आ गया? F1, F2, F3, जैसे अल्ट प्लस F4 दबाता है सिस्टम बंद हो जाता है, F2 दबाते हो तो रिनेम हो जाता है, फोल्डर रिनेम होता है, याद आ रहा है फोल्डर फाइल? तो वैसे ही है, दिमाग में रखिएगा। तो मैंने बोला F8 बटन दबाते हैं कितने बार? 3। अच्छा सैफ अली खड़े हो जाइए फिर से। क्लिक करना मतलब कौन सा बटन दबाना हुआ? अगर कोई कहेगा क्लिक करिए तो कौन सा बटन दबाएंगे क्लिक करने के लिए, कहेगा कोई? कोई बोले नहीं, कोई कहेगा क्लिक करिए तो Windows+R दबाएंगे, कोई कहेगा क्लिक करिए, कोई कहेगा क्लिक करिए तो कौन सा बटन दबाएंगे आप? तो और कोई विकास बताओ बाबू, माउस का राइट बटन? आप भी बगल में, आरिफ नाम है कि इरफान, रेड तिवारी, तिवारी तिवारी खड़े हो जाओ, आप भी बताओ राइट क्लिक करना होता दीपांजलि? नहीं क्या, आप बताइए कहाँ गई दीपांजलि? बताओ नीतू, बटन अंजनी, सिंपल, क्या नाम है आपका? आरी बताइए, गुलाम, और एक और लड़का आया है ना नया वाला, बताओ बाबू। लेफ्ट बटन, लेफ्ट इज राइट आंसर, लेफ्ट इज द राइट आंसर। मैंने बताया था स्टार्टिंग में चिल्ला चिल्ला के, बैठ जाइए सब लोग, मैंने स्टार्टिंग में चिल्ला चिल्ला के बताया था कि जब भी कोई बोले क्लिक करिए तो लेफ्ट बटन दबाते हैं, और जब भी कोई बोले राइट क्लिक करिए तो राइट क्लिक, हिंट ही मिल गया ना, राइट मतलब राइट दबाना है, क्लिक करने का मतलब माउस का लेफ्ट बटन दबाना है, ये नहीं कीबोर्ड में क्लिक बटन ढूंढने लगे। क्लिक करने का मतलब माउस का लेफ्ट बटन दबाना, समझ में आ गया? ठीक, तो माउस का लेफ्ट बटन कितने बार दबाएंगे? 3 बार दबाएंगे तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा, और F8 बटन दो बार दबाएंगे, 3 बार दबाएंगे तो एक सेंटेंस सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए अब देखिए एक बात और समझ लीजिए, आपको पता है ना सेल जो होते हैं, सेल सेल होते हैं ना सेल, वो रो और कॉलम मिलकर बनते हैं। मान लो आप जानते हो कि ऐसे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉलम बोलते हैं, और ऐसे वाले को क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। सुन लो मेरी बात बच्चों, ऐसे वाले को क्या बोलते हैं? कॉलम, COLU, सॉरी सही से लिख दे रहे हैं, COLU MN, इसको क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं, इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं रो, ROW, क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं। तो अगर पूछा जाता है कि यह क्या है, एक्सेल है, एक सेल किससे मिलकर बना होता है, आप क्या कहेंगे? कि एक रो और एक कॉलम। अच्छा अब कितने रो कितने कॉलम है, मान लो ये देखिए ऐसे, कितने रो कितने कॉलम है इसमें? रो अभी भी एक ही है,
कॉलम कितने हो गए? दो हो गए। समझ में आ गई बात ना? दिमाग में रखिएगा रो और कॉलम। आप लोग भी बना लीजिए सेल का फिगर और लिख लीजिए रो और कॉलम कौन कौन से होते हैं, और लिख लीजिएगा कि एक सेल में एक रो और एक कॉलम होते हैं। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा बताओ इस सेल एक रो और एक कॉलम से मिलकर बना है ना, अच्छा इस सेल की साइज अगर मैं बढ़ा दूं एक पेज के बराबर कर दूं, और बताइए तो अब कितने रो कितने कॉलम से मिलकर बना है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रिपल सी में कि जो एमएस वर्ड का डाटा होता है पेज का वो कितने रो कितने कॉलम से मिलकर बना होता है। तो देख लीजिएगा कि एमएस वर्ड में डाटा जो होते हैं पेज का डाटा होता है वो कितने रो कितने कॉलम से मिलकर बनता है। लिख लीजिए अपने भाषा में तुरंत कॉपी पे, एमएस वर्ड का डाटा लिखिएगा ऐसा। आप लोग का आईडी कार्ड मिल जाएगा, नाम सुन लीजिएगा, संतोष सिंह, राहुल तिवारी, सैफ अली, गुलाम हुसैन, नासिम अंसारी, ये सारे लोग कांटेक्ट करेंगे आफ्टर क्लास एंड रिसीव योर आईडी कार्ड। ऑफिस में जाएंगे आप लोग आईडी कार्ड अपना रिसीव करेंगे, ठीक है, कल से पहन के आएंगे। कोई ओके ओके बोल रहा है क्या? नासिम कोई बोल रहा था ना? चलिए हो जाएगा इतना, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे। चलिए रो और कॉलम भी हो गए, ये सारी चीज हो गए, ठीक है। तो डाटा लाने का तरीका सीख गए आप लोग, कैसे डाटा आएगा, इक्वल टू रैंड करके ब्रैकेट ओपन करके कुछ नंबर डालेंगे। कौन सा ब्रैकेट ओपन करेंगे? स्मॉल वाला। देखो ब्रैकेट भी बहुत सारे होते हैं, एक ऐसे होता है, ये स्मॉल है, एक ऐसे होता है हाँ, और एक ऐसे होता है, इसको बिग ब्रैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बिग ब्रैकेट। इसको कर्ली बोलिए, मिडल ब्रैकेट बोलिए, मझिला जो बोलते हैं लोग, और इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। तो किस ब्रैकेट का आप यूज करेंगे? इसी का, ठीक है। और डाटा लाने के लिए फार्मूला क्या होगा? इक्वल टू रैंड, आर ए एंड ए। कोई भी फार्मूला लगाने से पहले किस चीज का यूज करेंगे? इक्वल टू का यूज करेंगे, याद रहेगा ना ये बात? यस सर। ठीक।
चलिए अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। एक और चीज याद रखिएगा, जैसे कि अभी हमारे पेज की साइज कितनी जूमिंग है, 130। डाटा भी बहुत कम है, हम थोड़ा डाटा और बढ़ा लेते हैं। इक्वल टू ट्रेंड, चेहरा दीजिए, डाटा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, हम बस ऐसे जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। जूम कर लिए। उससे पहले जब नॉर्मल था हमारा पेज, तो स्क्रॉल, इसको क्या बोलते हैं, स्क्रॉल बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जैसे पेज को ऊपर नीचे किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, स्क्रॉल बार। कितने स्क्रॉल बार दिख रहे हैं आपको, एक? और कहीं दिख रहा है क्या, कहीं दिख रहा है? ठीक है, जूमिंग साइज में बढ़ा रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ स्क्रॉल बार तो है ही, यहाँ दिख रहा है स्टेटस बार के ऊपर। हाँ, एक क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम जूमिंग साइज बढ़ा देते हैं तो कितने स्क्रॉल बार दिखाई देते हैं हमें, क्या बोलेंगे आप लोग? तो उसका नॉर्मल एक ही होते हैं, और जब हम जूमिंग कर देते हैं पेज को, कितने स्क्रॉल बार दिखते हैं? CCC क्वेश्चन में आया हुआ है एक क्वेश्चन, कितने स्क्रॉल बार मैक्सिमम आ सकते हैं, कितने आ सकते हैं, तो लिख लीजिएगा। स्क्रॉल बार की स्पेलिंग होगी SCROWLBAR। कोई दिक्कत नहीं है ना, हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन भी बहुत मजेदार था, CCC का था, इसलिए मैं सोचा पहले बता दूं आपको। वापस आ जाते हैं, अब बात करते हैं हम लोग किसकी, नॉर्मल। फिर से मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ, दोबारा ओपन कर रहा हूँ विंडो आर। उस नॉर्मल नॉर्मल चीजें हैं जो हम लोग बात करेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे पहले कुछ पुरानी चीजें मैं बता दूं आपको। पुरानी ये है कि हम लोग क्या क्या पढ़े थे, नोटपैड पढ़ रहे हैं, नोटपैड, और क्या पढ़े थे, मैं यहाँ टाइप कर दे रहा हूँ, सबसे पहले लिख दे रहा हूँ, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। नोटपैड सबको दिख रहा है ना, उसके बाद क्या पढ़े थे, वर्ड पैड, और अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, एमएस वर्ड, क्या पढ़ रहे हैं, हाँ लाइन लग रही है, तो रीजन है, बताऊंगा सारी चीजें पढ़ाऊंगा तेज़। फिर अच्छा, अब देखिए, एक वर्ड आता है एक्सटेंशन नेम, क्या आता है, मतलब हर एक फाइल का एक एक्सटेंशन नेम होता है, क्या होता है, एक्सटेंशन नेम होता है, EXTENSION, समझिएगा। जैसे नहीं होता है, हम गाना वाना सुनते हैं तो गाना कोई डाउनलोड करते हैं तो गाना पूरा रहता है, लास्ट में लिखता है MP3, समझ रहा है? तो हर एक फाइल के पीछे जैसे फोटो रहता है तो उसके पीछे JPG PNG लगा होता है ना, वही एक्सटेंशन नेम होता है, क्या होता है, तो वैसे हर चीज का एक्सटेंशन नेम होता है। नोटपैड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है बच्चों, नोटपैड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .txt, क्या होता है, और वर्डपैड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .rtf, और एमएस वर्ड जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं
इसका एक्सटेंशन नेम होता है डॉट DOC, लेकिन ये पुराने वाला था, लेटेस्ट में जो भी आ रहे हैं उसमें लग रहा है स्लैश का क्लिक लीजिएगा, डॉट हट जा रहा है तो क्या लग जा रहा है, एक्स लग जा रहा है। चलिए फटाक से लिख लीजिए, सब लिख लीजिए, यहाँ एक्सटेंशन नेम लिख लीजिएगा, एक्सटेंशन नेम डॉट जरूर लगाइएगा। पीएमपी होता है, बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लिया आप लोग ना, ठीक है। तो दिक्कत एक्सटेंशन नेम बहुत मैटर करता है, अगर एग्जाम वगैरह में आता है या क्वेश्चन क्लास में टेस्ट होता है पूछा जाएगा तो आप लोगों को बताना पड़ेगा एक्सटेंशन नेम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी आपको और चीजें बता देंगे कल से, ये सारी चीजें जो आप लोग सुन लो, जो बच्चे नए हैं अब्सेंट मत करिएगा, क्योंकि जो बोल्ड इटैलिक वाले देखिए, एक बार इंटरफेस देखिए तो एमएस वर्ड का है, विंडो आर वर्ड पैड ओपन कर रहा हूं, इसका भी इंटरफेस देखिए वही है कि नहीं है, सबका इंटरफेस वही होता है, तो चाहे जो लोग नहीं पुराना नहीं पढ़े होंगे वो अब रिविजन हो जाएगा, और इसमें और ज्यादा ही है, ठीक है, तो मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। नीरज कल से पढ़ने आइए बाबू, आप छोड़ दिया।